मीडिया में एंकर ही हैं जो देश की बात जनता के सामने रखता है अपनी डिबेट या शो के जरिए। आज हम कुछ एंकर्स की डिबेट या शो देखेंगे कि उन्होंने पिछले 5 दिन में अपनी डिबेट में कौन से मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, काम वालों को काम चाहिए, नाम वालों को चाहिए है नाम। दूसरा, प्रचार के मैदान में जंग छिड़ी है, विकास के आसमान से झांकती गरीबी है। तीसरा, गरीब घरों से आई लड़कियां, टोक्यो ओलंपिक्स में छाई लड़कियां। चौथा, जनता महंगाई में त्रस्त, सरकार प्रचार में मस्त। और पांचवा, टोक्यो ओलंपिक्स, मेहनत खिलाड़ियों की, शोहरत में नेताओं की सेंध। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम के जरिए महंगाई का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही सरकार से कुछ तीखे सवाल भी किए। इतनी कमाई आपकी बढ़ी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आप अथक परिश्रम किए जा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सोमवार को अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं जिसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं कि भारत अगस्त में प्रवेश कर रहा है, अमृत महोत्सव की शुरुआत हो रही है, हमने कई चीजों को होते देखा है जो हर भारतीयों के लिए आनंददायक है। रिकॉर्ड टीकाकरण हो रहा है, जीएसटी के आंकड़े अधिक आए हैं जो ठोस आर्थिक गतिविधियों के संकेत दे रहे हैं। अच्छा होता सरकार अमृत महोत्सव में पेट्रोल डीजल से आ रहे टैक्स को भी शामिल कर लेती, कहती कि जनता से हमें इस अमृत की सप्लाई लगातार मिल रही है, जितनी चाहते हैं उतनी मिल जाती है। जुलाई महीने में वित्त राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने संसद में बताया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की वसूली में 88% की वृद्धि हुई है, 88% जेब आपकी खाली हुई है, महोत्सव सरकार मना रही है। अब बात करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, पेगासस एंड सुप्रीम कोर्ट, जब सभी नतमस्तक तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। दूसरा, राहुल गांधी इज न्यू पॉलिटिक्स, राहुल के पीछे विपक्ष एकजुट क्यों। तीसरा, इंडियन हॉकी ड्रीम, इतिहास रचने की दहलीज पर भारतीय हॉकी। चौथा, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं। और पांचवा, ममता पॉलिटिक्स, शत्रुओं के आश्रय ममता का दाम। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपनी वीडियो के जरिए एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चिंता जताई और बच्चों के भविष्य पर भी चिंता व्यक्त करते नजर आए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या भारत वाकई डिजिटल हो गया है? क्या भारत में एजुकेशन पूरे तरीके से ऑनलाइन हो चला है, या फिर हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इससे पहले एजुकेशन का बनाया ही नहीं। तो कोविड के काल में संकट, जब घरों में कैद रहने का आ गया, तो स्कूलों की चौखट पर जाने के लिए बच्चे चाहे तरसते रहे, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि किसी भी मुश्किल वक्त में प्रोटोकॉल के तहत ही बच्चों का विकास कैसे किसी देश में होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, इसके लिए हमारे पास कोई विजन भी नहीं है, और शायद हमारी जरूरत भी नहीं है। अब बात गोदी मीडिया के एंकर की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं न्यूज 18 की पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, खेल रत्न का दाम, कांग्रेस को तनाव, नाम बदलने पर कांग्रेस परेशान। दूसरा, ओलंपिक से अयोध्या तक, अगस्त क्रांति, सियासत में किसका सेल्फ गोल। तीसरा, रेप पर बंद करो राजनीति, पीड़ित के नाम पर कब बंद होगी सस्ती सियासत। चौथा, धर्म परिवर्तन की लड़ाई जोधा अकबर पर आई, हाईकोर्ट ने दिखाया आईना। और पांचवा, पार्लियामेंट सेशन में एक बार फिर बाधा, लेकिन रुकावट के लिए कोई खेद नहीं। अमीश की डिबेट में सवाल सिर्फ विपक्ष से ही होते नजर आ रहे हैं। रेप जैसे गंभीर विषय में जांच में देरी और इस पर सवालों को छोड़ अमीश राहुल गांधी से सवाल करते नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक घटना हुई, मात्र 9 साल की एक बच्ची की हत्या कर दी गई, और आरोप है कि हत्या से पहले इस बच्ची के साथ दुष्कर्म यानी हैवानियत भी हुई है। पूरा देश इस बच्ची के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहा है, और हम भी चाहते हैं कि मुद्दा एक मुहिम बने और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ और न्याय मिले। लेकिन इसी बीच सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि रेप जैसे मामले पर विपक्ष सिलेक्टिव सियासत क्यों कर रहा है। जब पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ऐसे मामले होते हैं, तब राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा।
रेप पर बंद करो राजनीति। मुझे ध्यान में आता है बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उस पर तो किसी ने चू तक नहीं करी। अब बात करते हैं रिपब्लिक भारत के पत्रकार ऐश्वर्या कपूर की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, देश हित के फैसलों का विरोध क्यों? दूसरा, शुभ घड़ी आई सियासत क्यों हाई? तीसरा, सियासी लड़ाई पापड़ी चाट पर आई? चौथा, बीजेपी के खिलाफ कितने मोर्चे? और पांचवा, वोट बैंक की लड़ाई जाति पर आई? ऐश्वर्या अपनी डिबेट में सरकार से सवाल करते तो नहीं नजर आई, लेकिन उनके ज्यादातर सवाल विपक्ष से ही होते नजर आ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने की बजाय वह राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की मीटिंग पर सवाल उठाते नजर आए। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आज क्या कह दिया, क्या कह दिया कि उस ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है जिसमें उन्होंने मॉनसून सत्र में पास विधायकों में तुलना पापड़ी चाट से कर दी। दर्शकों, पापड़ी चाट ये क्या होता है? चाय की चुस्की और पापड़ी चाट भारत की जनता कौन है आपके लिए, ये बताएं आप। ये भारत के विपक्ष को बताना पड़ेगा। पहले आप हर बात में धर्म का चश्मा लगा लेते हैं, मजहब का चश्मा लगा लेते हैं। नरेंद्र मोदी बोले कि यहां सिलेंडर पहुंचेगा, सड़क पहुंचेगी, तो आप यह देखने लगते हैं कि उस गांव में कौन रहता है, यह नहीं कि गरीब कौन है। आप चाहते क्या हैं? मेरे को दिक्कत यह है, आपके लिए भारत का कानून पापड़ी चाट है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।